मेडिकल लिटरेचर पूरा ढूंढ लिया, मुझे ऐसा एक भी लिटरेचर नहीं मिला जहां पे एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज में देने की बात की गई हो। क्या आपको पूरे मेडिकल लिटरेचर में कोई ऐसा एक पेपर मिला है जिससे ये साबित होता हो या जहां रिकमेंडेशन की गई हो कि एंटीबायोटिक गिव एंटीबायोटिक टू द वायरल पेशेंट? ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई रेफरेंस? नहीं, वायरस अलग है, बैक्टीरिया अलग है, दोनों का ही एक्शन अलग अलग होता है। वायरस के पास तो सेल वॉल ही नहीं होती है, तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक को किसी वायरल डिजीज में देने का एविडेंस अभी तक तो नोटिस में नहीं आया। राइट। सो अब ऑडियंस के लिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ऐसा कोई एविडेंस है नहीं, ना तो मुझे मिला और ना डॉक्टर साहब को मिला, जहां पे ये साबित होता हो या रिकमेंडेड हो कि भाई वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक को देना या देना चाहिए। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसे एविडेंसेस हैं कि वायरल डिजीज में अगर एंटीबायोटिक देंगे तो पेशेंट के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऑडियंस के रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में वो जाएंगे तो वो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अपने साइट में लिखा है कि वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक नहीं देना है। यहाँ तो हुई खत्म मेरी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर आपके लिए, वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक दे के जो भी टेम्परेचर घटाने के लिए देते हैं उससे मोर्टिलिटी रेट घटती है या मोर्टिलिटी रेट बढ़ती है? पहले तो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक से मोर्टिलिटी रेट घटती है यानी कि पेशेंट की चांसेस जिंदा रहने के बढ़ते हैं, ऐसा कोई एविडेंस है मेडिकल लिटरेचर में? एंटीबायोटिक का जो मेन रोल है वो है फीवर को कम करना, राइट सर। है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि फीवर अगर 106 डिग्री बर्न से ऊपर है या 41.11 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो मान के चलते कि मेडिकल इमरजेंसी है। राइट। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो कई बार एंटीबायोटिक जो होता है वो आईवी भी देते हैं। साधारणतः जो इन्फेक्शन होते हैं वो 105 डिग्री के फीवर से नीचे ही होते हैं, राइट। यानी कि 106 डिग्री का जो मेडिकल इमरजेंसी है वहां तक तो कोई इन्फेक्शन का फीवर पहुंचता नहीं है, बहुत कभी रेयर होता, बात अलग है। लेकिन इन जनरल पेशेंट को बुखार है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए उसका एक एंटीबायोटिक दी जाती है। दिया जाता है, ये कॉमन ट्रेंड है। लेकिन सर मेरा सवाल फिर वही कि क्या मेडिकल लिटरेचर में कोई एविडेंस है, कोई ऐसा पेपर है जिसमें ये बताया गया हो कि वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक देने से पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ते हों? ऐसा कोई एविडेंस आपको लिटरेचर में मिला हो? ट्रेंड तो देते तो हैं, वो तो आइडिया है, लेकिन लिटरेचर में कोई ऐसा पेपर मिला हो? नहीं, ऐसा तो कोई लिटरेचर नहीं है जहां पर ये मालूम चले कि भाई वायरस डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक का कोई स्पेशल रोल हो, एक्सेप्ट वो फीवर है तो फीवर डाउन करेगा। राइट। तो इसको कंक्लूड करते हैं सर दूसरे क्वेश्चन को, यानी कि सर आप ये बोल रहे हैं कि ट्रेंड तो ये है, नॉर्मली डॉक्टर दे देते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन मेडिकल लिटरेचर में ऐसा एक भी पेपर एटलीस्ट आपकी नजर में नहीं है। मैंने भी ढूंढा, मुझे भी नहीं मिला, जहां पे ये बात करते हो कि वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक देना रिकमेंड करते हो या जहां पे ये साबित हो कि वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक देने से पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ेंगे, ऐसा कोई लिटरेचर मिला? आप बोल रहे हैं आपको भी मिला, लेकिन जी मुझे ऐसा पेपर जरूर मिला है, दिस इज द जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, 1 अक्टूबर 2010। सिर्फ एक ही पेपर मिला, ये मेटा एनालिसिस है, और ये पेपर स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर ऑडियंस देख सकती है। इस पेपर में ये जरूर है कि वायरल डिजीज में अगर एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे मोर्टिलिटी के चांसेस, मरने के चांसेस अबाउट 33% और टू बी वेरी प्रिसाइज 34% बढ़ जाते हैं, 34% बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा है। यस, ज्यादा है सर। तो इसको हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। अब मेरा तीसरा सवाल सर, भारत में ट्रेंड है आईसीएमआर के अगर गाइडलाइन देखें आप, जैसा आपने तो पूरी नजर रखी हुई है कोरोना पे, आपने आपके कई सारे वीडियोस मैंने देखा है और उनमें से कुछ यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, तो शायद आप लोग फेसबुक में शायद देख पाएंगे उस वीडियो को। आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के पेशेंट को एंटी एचआईवी ड्रग्स दिए जा रहे हैं, आईसीएमआर ने ऐसे बोला है। और भारत में अगर कोई कोरोना का पेशेंट एडमिट होता है या होता था तो उसे एचआईवी की दवा भी दी जाती थी। मेरा सवाल कि एचआईवी की दवा से कोरोना पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे या मोर्टिलिटी रेट घट जाएगी या इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर में कोई एविडेंस आपको मिल? हाँ, इसमें जो एंटी एचआईवी ड्रग दी जा रही है उसका नाम है लोपिनावीर रिटोनावीर कॉम्बिनेशन। राइट। ये जो लोपिनावीर रिटोनावीर कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है इसमें एक स्टडी इन लोगों ने की है जो कि ब्रिटिश जर्नल में आया हुआ है।
18 मार्च अभी लेटेस्ट उन लोगों ने ये एंटी एचआईवी ड्रग दिए 99 पेशेंट्स को right. और 100 पेशेंट को कंट्रोल रखा है, उनको कुछ और मेडिसिन दी गई है right. उस जर्नल में ये क्लियर कट लिखा हुआ है देयर इज नो थेरेप्यूटिक बेनिफिट अचीव. ओके मतलब उल्टा है कि फायदा नहीं हुआ ये लिखा हुआ है. एक भी कुछ भी 1% भी फायदा नहीं हुआ एंटी एचआईवी ड्रग देने का. ये 18 मार्च 2020 का आपको मिल जाएगा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में. ओके 18 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का राइट सर. इसमें एक चीज मैं अपडेट करना चाहूंगा ऑडियंस को, आपको तो पता ही होगा कि आईसीएमआर के अपने वेबसाइट में ये लिखा है 14 नंबर पॉइंट पेज नंबर 14 में जहां रिकमेंड करते हैं एचआईवी की दवा, उसमें लिखा है कि एचआईवी की दवा से कोई बेनिफिट होगा कि नहीं उनको नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि एचआईवी की दवा से उनको पेशेंट को नुकसान हो सकता है या होता है. और 15 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि पेशेंट को एचआईवी की दवा एंटी एचआईवी ड्रग्स देना है. कॉन्ट्रेडिक्टिंग बात, 14 नंबर पॉइंट में ये लिखा है कि एचआईवी की दवा से फायदा होगा कि नहीं आईसीएमआर को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इससे नुकसान होगा. और अगली पॉइंट में लिखा है कि पेशेंट को एंटी एचआईवी ड्रग दिया जा सकता है. तो ऑडियंस के रेफरेंस के लिए वो लिंक में जाके आईसीएमआर के ये गाइडलाइन को देख सकते हैं कि वो अपनी बात को जो बोल रहे हैं और उसका कॉन्ट्रेडिक्ट भी कुछ कर रहे हैं. तो ये तो हुई एचआईवी की दवा की के बारे में. अब अगला चलते हैं आईसीएमआर डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन पर चल रहा है और डब्ल्यूएचओ ने 4 ड्रग को रिकमेंड किया है. तो पहली है रेमडेसिविर, दूसरी है लोपिनावीर, तीसरी है इंटरफिरोन बीटा 1 अल्फा और चौथी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. राइट. उसने डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये 4 दवाई आपको देनी है पेशेंट. राइट. तो आईसीएमआर जो है उसकी जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहा है, उनकी अपनी बुद्धि अपनी विवेक इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही. डब्ल्यूएचओ ने जो बोल दिया वो फॉलो कर रहे हैं, जबकि WHO जो बोल रहा है उसके पीछे भी देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इट. क्योंकि इसका उल्टा एविडेंस जरूर है कि इससे पेशेंट को नुकसान होता है, मोर्टलिटी रेट बढ़ जाता है, ये एविडेंस जरूर है. WHO ने यहां तक कहा है कि जो एलोकेशन होगा दैट इज कंप्यूटर एलोकेशन, यानी कि डॉक्टर भी तय नहीं करेगा कि कौन सी दवाई किसको देनी है, कंप्यूटर विल डिसाइड. अच्छा, रैंडमली किसी भी कोई भी पेशेंट अगर वहां पे आ गया तो उसके जो किस्मत है वो कंप्यूटर पे आते आते है. हाँ, कंप्यूटर तय करेगा इसको कौन सी ड्रग देनी है, डॉक्टर तय नहीं करेगा. तो और जो दवाई देंगे उसमें से या तो एचआईवी की दवा देंगे, एंटी एचआईवी ड्रग्स देंगे, या फिर इबोला वाली जो दवाई होती है रेमडेसिविर आपने बोला, या फिर एंटी मलेरियन ड्रग्स हैं. और ये सारी दवाइयां इनके ऐसे एविडेंस अभी तक नहीं आए कि इससे कोई फायदा होगा, नुकसान वाले एविडेंस जरूर आ गए. एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है, मतलब एक्सपेरिमेंटल ड्रग मतलब ह्यूमन गिनी पिग हो गया, जैसे गिनी पिग को देखें. नेचुरल सी बात है. राइट. इसमें सर अभी आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात की विच इज एंटी मलेरियन ड्रग. मलेरिया तो एक प्रोटोजोआ है, कोई वायरस नहीं है, और कोरोना एक वायरस है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है. एक वायरस है, एक प्रोटोजोआ है, दो अलग चीजें हैं. अभी तक लिटरेचर में एंटी मलेरियन ड्रग से यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से किसी भी वायरल डिजीज में कोई बेनिफिट मिलता हो ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर में आपने कोई पेपर अभी तक पाया है देखा? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया की मेडिसिन है जो कि एक पैरासाइट होता है, और ये अलग है, बैक्टीरिया अलग होते हैं, वायरस अलग होते हैं. ऐसा कोई पेपर नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन किसी वायरल डिजीज में दी जा सकती है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर के ये तक कहा जाता है कि जब हम ईसीजी करते हैं तो QRS कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें QT इंटरवल होता है, वो QT इंटरवल को बढ़ा देता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. जब वो QT इंटरवल बढ़ जाएगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, उसका हार्ट फेल हो जाएगा. यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से हार्ट फेल हो सकता है ये तय है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से कोरोना पेशेंट को फायदा होगा या नहीं होगा ये तय नहीं. राइट. इसका एविडेंस बिल्कुल भी नहीं कि ये एंटी मलेरियन ड्रग से कोरोना पेशेंट को कोई फायदा हुआ कि नहीं, लेकिन इस चीज का एविडेंस क्लियर कट है कि इससे QT एलिवेशन हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक आएगा, जिससे उसकी डेथ हो सकती है या होती है. ये क्लियर है, ये एविडेंस आ चुका है. ऐसा एविडेंस मुझे भी मिला है, दैट इज ऑन 26th of April US वेटरन हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है 23rd of April and this is the retrospective analysis of outcome of hydroxychloroquine usage in United States veteran hospital in with COVID-19. ये रिसर्च पेपर अगर किसी भी ऑडियंस को पढ़ना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पढ़ सकता है, जिसमें साफ लिखा है कि दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप में एंटी मलेरियन ड्रग दिया गया और एक ग्रुप को कोई दवा नहीं दी गई.
जिस ग्रुप को एंटी मलेरियन ड्रग दिया गया उनके उनकी जो मौत है वो 27.8% और जिनको कुछ दवा नहीं दी गई उनके जो डेथ रेट है वो 11.4%, मतलब दवा देने से मोर्टिलिटी 300% बढ़ गया। मलेरिया की दवा देने से जो जो मोर्टिलिटी है वो 300% यानी कि 3 times बढ़ गया। ये एविडेंस आ चुका है 23rd of April जो कि पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने बात की बैक्टीरिया की दवा, एक मेडिसिन और है इंटरफेरॉन बीटा 1A, ये मेडिसिन पेशेंट्स में सुसाइड थॉट्स लेके आती है। ओके, यानी कि पेशेंट को आत्महत्या करने की इच्छा होती है। ये मेडिसिन इटसेल्फ की साइड इफेक्ट है, ये इंटरफेरॉन बीटा 1A है, राइट, ये भी दे रहे हैं, ये कुछ पेशेंट को दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये कि बहुत सारे पेशेंट जो कोरोना का इलाज ले रहे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं इस मेडिसिन से तो नहीं हो रहा? वेरी मच, वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि इस मेडिसिन की हिस्ट्री ऑलरेडी है जो एविडेंस बेस्ड है, जो ऑलरेडी मेडिकल लिटरेचर में है कि भाई इससे सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि भाई कोरोना के कई पेशेंट जो कि आत्महत्या कर रहे हैं, भारत में देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। नाउ वी कैन इजीली रिलेट, इज इट द मेडिसिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइड करने के पीछे वो मेडिसिन का हाथ है, वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमने इसको अगर कंक्लूड करें कि एंटीबायोटिक दे रहे हैं या एंटीपायरेटिक दे रहे हैं या एंटी एचआईवी दे रहे हैं या एंटी मलेरियन दे रहे हैं, इन सारी दवाइयों का कोरोना पेशेंट पे कोई फायदा होगा मेडिकल लिटरेचर में अभी तक ऐसा एविडेंस तो नहीं है, लेकिन क्लियर कट बाय नाउ ऐसे सारे एविडेंसेस हैं कि इससे बहुत नुकसान होगा, यहाँ तक कि 3 times मोर्टिलिटी रेट, 4 times मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाएगा, उनके ठीक होने की जो टाइम लैग है वो भी और समय ज्यादा लगेगा, ये सारी चीज एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसके बावजूद भी भारत में ना केवल एक सारी दवाई दी जा रही है, साथ में दो चीज और शुरू हो गई है, एक तो प्लाज्मा थेरेपी और दूसरा जो शुरू हो गया वो है BCG वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन। अब ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है और कोरोना एक वायरस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ट्यूबरक्लोसिस का कोरोना से कोई कनेक्शन या ये वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के वैक्सीन से कोरोना पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई एविडेंस इसमें, क्या आपके ओपिनियन? नहीं, BCG वैक्सीन का कोरोना से कोई संबंधित नहीं है, किसी भी प्रकार से BCG वैक्सीन कोरोना पेशेंट को ठीक कर पाएगी ये तो संभव नहीं है। तो यानी कि दो दो अलग चीजें हैं, BCG दैट इज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू बैक्टीरिया एंड दिस इज टोटली अ वायरस, वो एक वैक्सीन है। वैक्सीन नॉर्मली तभी काम करता है जो हम प्रिवेंटिव टाइप बोलते हैं, लेकिन किसी को कोरोना वायरस हो गया है, बॉडी में आ चुका है, अब कोई वैक्सीन लगा के हम एज्यूम करें कि ये वैक्सीन को ठीक कर देगा, ये तो मैंने पिछले 12 सालों में पहली बार सुना है अपने मेडिकल लाइन में कि ऐसा भी कभी होता है। वो ऐसे एक्सपेरिमेंट मैंने अपने जितना मैंने स्टडी किया कभी एनिमल मॉडल पे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हुए नहीं देखा, लेकिन अभी आपको आइडिया होगा कि पुणे में तो ये ह्यूमन इंडिया के ह्यूमन कोरोना वायरस पेशेंट पे ये एक्सपेरिमेंट चालू हो चुका है। तो एक आखिरी सवाल, प्लाज्मा थेरेपी, एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है भारत में, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के पेशेंट को फायदा हो सकता है या फायदा होगा, ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर में अभी तक का एविडेंस है, इसके बारे में आपकी ओपिनियन राय क्या है? प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली मतलब ये है कि वो एंटीबॉडी थेरेपी है, right. जो पेशेंट कोरोना के ठीक हो चुके हैं, जिनकी बॉडी में कोरोना एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, उनके पेशेंट उन पेशेंट से एंटीबॉडी निकाल करके पेशेंट को देना। तो बेसिकली बेसिकली तो जो ठीक हो गया है उसको भी तो एंटीबॉडी अपने आप अपने शरीर ने बनाई होगी उसके अंदर, यानी कि बॉडी हमारी इतनी कैपेबल है कि एंटीबॉडी खुद बना सकती है। जब खुद बना सकती है तो किसी और से एंटीबॉडी लेने की आवश्यकता ही नहीं हमको, और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे ये भी अभी कोई तय नहीं है। तो ब्लाइंडली ये कहना कि प्लाज्मा थेरेपी इज यूजफुल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके ऊपर। अभी आप बोल रहे हैं कि ऐसा कोई एविडेंस सामने है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो यानी कि यह है कि जो भी पेशेंट ऑप्ट कर रहा है प्लाज्मा थेरेपी के लिए तो वो एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। हाँ, ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, वो वाली बात। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन सब के ज्यादातर के नतीजे खराब होंगे, ये एविडेंस ऑलरेडी है, उसके बावजूद भी हाँ ये सब पता, ये सबको पता है कि भाई इसके नतीजे खराब हो सकते हैं। हाँ, खराब हो सकते हैं, वो ऑलरेडी मेडिकल लिटरेचर में है, उसके बावजूद भी ये सर। अच्छा, इसमें जब पेशेंट कोई दाखिला लेता है एज ए कोरोना विक्टिम और कोरोना पेशेंट, एज ए कोविड 19 पेशेंट,
तो क्या उसके पास आज ये ऑप्शन है कि भाई मैं अपना इलाज एलोपैथी के मेडिसिन से कराऊं, या आयुर्वेद से कराऊं, या होम्योपैथ से कराऊं, या यूनानी से कराऊं, या नेचुरोपैथ से कराऊं, या ना कराऊं? क्या एज ए पेशेंट उसके पास ये पावर है, उसके पास ये राइट है, फंडामेंटल राइट है भारत के कॉन्टेक्स्ट में? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? पेशेंट के पास ये राइट तो नहीं है कि वो कौन सी मेडिसिन चूज करेगा, क्योंकि जो मेडिसिन जो है वो तो गवर्नमेंट ने पहले तय कर रखी है कि WHO का प्रोटोकॉल से चलना है। अभी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, लेकिन उसका भी तय जो है गवर्नमेंट ही करेगी। जैसे अश्वगंधा वगैरह कुछ मेडिसिन को देने की बात कही है, लेकिन वो भी उसका एलोकेशन गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन हो सकता है कि जो सिंपल हो, सीधे हो, उनको वहां उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। अभी तक किसी भी सिम्टोमेटिक पेशेंट को इंडिपेंडेंटली किसी आयुर्वेद वेदाचार्य ने को दिया गया, सौंपा गया? सिम्टोमेटिक पेशेंट को, कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है उसको हैंडओवर किया गया आयुर्वेद आचार्य को कि आप इसको होलसोली देखिए विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी एलोपैथी? अभी तक अभी तक ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है भाई, इस डॉक्टर ने या इस हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ। राइट अभी तक का जो मैंने देखा है, पिछले मैं लगातार नजर बनाए हूँ इस चीज पे कि इस तरह की बातें सरकार कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, आयुर्वेद को लाएंगे लाएंगे, ला लिया, आ गया, पहुंचने वाला है, लेकिन ग्राउंड वर्क पे आज की तारीख में भी ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है सिम्टोमेटिक पेशेंट की जिसको सिम्टम हो और उसका इलाज एक्सक्लूसिवली सिर्फ आयुर्वेद के साथ हुआ हो या हो रहा हो, ऐसा अभी तक नहीं है। और नियर फ्यूचर में भी जो लेटेस्ट गाइडलाइन आया है कि जो सिम्टोमेटिक है उसको आयुर्वेद को हैंडओवर कराने का कोई मंशा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। अभी तक का जो लास्ट पिछले हफ्ते का जो अपडेट था उसको अगर बात करें तो यहाँ पे हम इस पूरे वार्तालाप को कंक्लूड करते हैं तो वो ये कि आज की तारीख में बाई चांस किसी की किस्मत खराब रही और वो कोरोना पॉजिटिव निकल आया विद सिम्टम्स, तो वो हॉस्पिटल में जब जाएगा तो जा तो रहा एक इंसान, लेकिन हॉस्पिटल के बेड में जो लेटा हुआ वो इंसान नहीं है, उसके जितने ही फंडामेंटल राइट होते हैं वो चले गए। अब उसके ऊपर वो ह्यूमन इन एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि कौन सी दवा जाएगी वो इवन डॉक्टर को भी नहीं पता, और उसके बाद उस दवा के बाद या दो चीज होगी, या तो पेशेंट बच जाएगा या वो मर जाएगा। अगर तो मर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक लेवल लग जाएगा कि भाई एक कोरोना से एक और पेशेंट मारा गया, और वो एक आंकड़ा बढ़ जाएगा जो कि टीवी में सब लोग देख लेंगे, और कहीं वो बच गया तो ये हो जाएगा कि ये जो दवा दिया था उस दवा के खाते में चला जाएगा, उस दवा की वजह से बच गया है, और उस खाते में जितने ज्यादा लोग आएंगे वो दवा के प्रमोट होने के, रिकमेंड होने के चांसेस इन फ्यूचर फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बढ़ जाएगा। और इस काम को बाकी जो देश हैं, जहां मेरे सेंटर है फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, जहां मेरे सेंटर है पिछले साल 7 साल से, वहां ये सारे ट्रायल नहीं चल रहे हैं, सिर्फ ये ट्रायल भारत में चल रहे हैं, और भारत WHO को कॉपरेट कर रहा है पूरी तरह से। अगर यही कॉपरेशन अगर वो आयुर्वेद को होम्योपैथ को देता तो शायद आज हम कुछ दुनिया को साबित कर पाते। आपके इनपुट पे सर ये एक इनपुट हमारे ऑडियंस की आंखें खोल देंगी ताकि वो अवेयर हों, और जब अवेयर होंगे तभी हम देश दुनिया बदल पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।